द मास ऑफ द बॉडी ऑन मून इज 40 kg. वट इज द वेट ऑन द अर्थ. मास ऑफ द बॉडी हमें दिया है ऑन द मून. ऑन द मून इज इक्वल टू 40 kg. फाइन. और हमें फाइंड क्या करना है, वट इज द वेट ऑन द अर्थ. सेम बॉडी का वेट अर्थ पे निकालना है हमें. और हमें गिवन क्या है, मास दिया बॉडी का ऑन द मून. तो बेटा अब वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ फाइंड करना है ना हमने. वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ, वेट इज एक्चुअली अ फोर्स. फोर्स होता है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. ओके, यानी कि एम मल्टीप्लाई ए. लेकिन बेटा इधर जो ए है ना, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्योंकि वेट क्या होता है, वेट इज अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टूवर्ड्स इट्सेल्फ. वेट वो फोर्स होता है जो अर्थ लगाती है, जब वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है बॉडी को अपनी तरफ खींचने के लिए. और उस ए के लिए हम यूज़ करते हैं, वो ए जी के इक्वल हो जाता है, स्मॉल जी. और ये स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, इज इक्वल टू 9.8 meter per second square. दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कई बार हमें क्वेश्चन में 10 meter per second square दी होती है बेटा, तो उससे मैं कंफ्यूज मत होना, वो हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए दी होती है. तो लेकिन उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 meter per second square है. अब फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा, तो वेट का फॉर्मूला हो जाएगा एम मल्टीप्लाई बाय जी. अब हमें मास ऑन द बॉडी ऑन मून तो दिया है, और हमें फाइंड क्या करना है, वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ. तो हमें अभी मास भी पता होना चाहिए बॉडी का, कहाँ पर, अर्थ पे. अभी तो हमें मून का दिया हमें, लेकिन मास ऑन द बॉडी ऑन द अर्थ नहीं दिया. तो बेटा मास ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ क्या रहेगा, तो वो कांस्टेंट सेम रहेगा जो मून पे है. क्योंकि बेटा मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा सेम रहता है, चेंज नहीं होता. चाहे आप अर्थ पे हो, चाहे आप मून पे हो, चाहे कहीं पर भी हो, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो मास तो हमारा 40 kg रहेगा. तो अब हम इस फॉर्मूले में एम इंटू जी में वैल्यू डाल देते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 9.8. ओके, अब 40 को अगर हम 9.8 से मल्टीप्लाई करें ना, तो 3920 आएगा विदाउट डेसिमल. अगर हम मल्टीप्लाई करें 40 × 98 करें, अब कितने डेसिमल प्लेसेस हो गए दोनों नंबर के मिला के, ओनली हमारे पास एक डेसिमल प्लेस है. क्योंकि 9.8 में पॉइंट के बाद सिर्फ 8, ओनली सिंगल नंबर है. लेकिन 40 में तो कोई डेसिमल है ही नहीं, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, वन प्लेस हम राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे. तो राइट हैंड साइड 3920 का जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ एक प्लेस के से पहले डेसिमल आ जाएगा. तो ये हो गया 392.0. लेकिन 392.0 को हम 392 भी लिख सकते हैं. लेकिन बेटा क्वेश्चन ये है, चलो ये तो आ गया हमारा 392 वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ, लेकिन इसकी यूनिट क्या रहेगी. जैसे मास की यूनिट kg है, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वेट ऑफ द बॉडी की क्या रहेगी. मैंने बताया ना, वेट ऑफ द बॉडी इज एक्चुअली अ फोर्स. क्या है, फोर्स है. और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, यानी कि कैपिटल एन. तो वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ इज 392 न्यूटन.